मिस्टर 360 यानी कि एबी डिविलियर्स और यूनिवर्सल बॉस यानी कि क्रिस गेल। भले ही ये दोनों आईपीएल के सीजन में नहीं खेल रहे, लेकिन दोनों की चर्चा आज भी हो रही है। दोनों ही बल्लेबाज आरसीबी का हिस्सा रह चुके हैं और उसी सिलसिले में आरसीबी ने दोनों तूफानी बल्लेबाज को खास सम्मान से सम्मानित किया। टीम बेंगलोर ने डिविलियर्स और केल को आरसीबी फ्रेंचाइजी ने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। दोनों अब इस फ्रेंचाइजी के पहले मेंबर बन गए हैं जिन्हें ये सम्मान मिला है। आईपीएल इतिहास में पहली बार किसी टीम ने ये कदम उठाया है। कोहली ने अपने दोनों पूर्व साथी को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। एबी डिविलियर्स साल 2011 से 2021 तक आरसीबी का हिस्सा थे। क्रिस गेल 2011 से 2017 तक आरसीबी के लिए खेले। डिविलियर्स और गेल दोनों ही वीडियो कॉल के जरिए जुड़े हुए थे। इस दौरान पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अपने दोनों साथियों के साथ पलों को याद किया। एबीडी इस साल नहीं खेले, जबकि कुछ साल पहले गेल आरसीबी का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन दोनों अब हो सकता है कि अगले साल फिर से आरसीबी के लिए वापसी करें। इस सम्मान मिलने के बाद दोनों खिलाड़ी खुश भी दिखे, जबकि कुछ बातें भी कही। डिविलियर्स ने कहा कि वहां बैठे लड़कों के लिए ये अद्भुत विशेष अधिकार है। सच कहूं तो मैं काफी भावुक हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं क्रिकेट से थोड़ा बाहर हो गया हूं। बस आप लोगों को टीवी पर देखना, वास्तव में सीजन में आने वाली चीजों के बारे में सोचकर थोड़ा उत्साहित हूं। मुझे विश्वास है कि ये सीजन काफी अच्छा रहेगा। इसके अलावा गेल ने कहा कि मैं हर चीज के लिए आरसीबी फ्रेंचाइजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। किसी शानदार चीज में शामिल होना, मैं आरसीबी को हमेशा अपने दिल के करीब रखूंगा। मैंने कुछ खास खिलाड़ियों, कुछ खास कोचों के साथ भी कुछ यादें साझा की है। दोनों ही खिलाड़ी आरसीबी के लिए सबसे ज्यादा अहम माने जाते थे। हालांकि दोनों की पारियों की बदौलत आरसीबी ने हारे हुए मैच भी जीते हैं, लेकिन कभी भी ये खिलाड़ी अपनी टीम को खिताब नहीं जिता पाए। खैर, आईपीएल सीजन 15 में भी टीम का प्रदर्शन गिरता और चढ़ता रहा है। अब देखना होगा कि क्या अगले साल ये दोनों खिलाड़ी वापसी करते हैं और आरसीबी और किन किन खिलाड़ियों को हॉल ऑफ फेम में शामिल करता है।